Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Sharing with you another story. जैसी दृष्ट वैसी श्रेष्ठ. सो एक बार एक सेंट होता है तो वो सो रहा होता है. उसको ड्रीम उसके ड्रीम में गॉड आते हैं उसके सामने. तो गॉड उसको पूछते हैं, आपको कुछ पूछना तो नहीं है मेरे से. तो बोलते हैं, हाँ मुझे पूछना है कि मेरी सोसाइटी में या मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर सबसे अच्छा इंसान कौन है. तो गॉड बोलते हैं, आपका पड़ोसी. तो वो सोच में पड़ जाता है, यार पड़ोसी कैसे हो सकता है ना. पड़ोसी एक ऐसा इंसान होता है जो सबसे बुरा होता है ना. सारी कमियां हमें अपने पड़ोसी में ही दिखती हैं. तो वो सोचता रहता है पूरा दिन. तो यही सोच में वो रात को फिर सो जाता है. तो रात को फिर गॉड उसकी ड्रीम में आते तो बोलते हैं कि आपको कुछ पूछना है मुझसे. तो कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे बुरा इंसान कौन सा है मेरी सोसाइटी में. तो गॉड बोलते हैं, आपका पड़ोसी. तो अब वो और परेशान हो जाता है कि मैंने पहले पूछा था कि सबसे अच्छा इंसान, तब भी आपने पड़ोसी बोला था, और अब पूछा है कि सबसे बुरा इंसान, तब भी आपने पड़ोसी बोला. तो वहाँ पे गॉड उसको समझाते हैं कि आप जैसा देख लेते हो आपको वैसा मिल जाता है. जो आदमी होता है ना उसकी खुरपी गुम हो जाती है. वो गार्डन में काम कर रहा होता है तो जिससे डिगिंग करते हैं ना उसको उसकी गुम हो जाती है. तो वो कहता है, हो ना हो ये मेरे नेबर ने ही चुराई है. तो वो देखता रहता है, उस पर नज़र रखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखता है, उसकी उसको सब देखता रहता है पूरा दिन कि इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है मुझे इसी ने चुराई है, इसी ने चुराई है. तो वो 5 दिन हो जाते हैं नोटिस करते हैं. तो 6th day जब वो अपने गार्डन में आता है तो वो देखता है यार अपने ग्राउंड में ही उसने डिग की होती है. थोड़ी मिट्टी पड़ी होती है उसके नीचे से ही उसको मिल जाती है. तो बोलता है, मैं ऐसे ही उस पर है ना शक करता रहा कि उसने चुराई थी मेरी खुरपी. तो अब पिछले 5 दिनों में वो उसको चोर की नज़र से देख रहा था. अब 7th day उसको दिखता है, यार ये कितना भला आदमी है ना, कितना प्यार से कितने है, देखो आराम से जा रहा है, इसको ये इससे भला आदमी कौन हो सकता है. तो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि यही दुनिया है और यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए हेल बना लेते हैं क्योंकि वो हर एक इंसान में बुरा ही देखते हैं. तो वो उन्हीं की संगत में रहते हैं, वो बुरा ही देखना चाहते हैं या बुरे इंसानों के बीच में ही रहना चाहते हैं. तो वो अपने लिए एक हेल क्रिएट कर लेते हैं. और कुछ इंसान इसी अर्थ पे या इसी दुनिया में अपने लिए स्वर्ग बना लेते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ या हर एक इंसान में अच्छा देखते हैं या अच्छा देखना चाहते हैं. तो उनके लिए वो हेवन बन जाता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू शेयर दिस स्टोरी.